उद्यमी योजना के अंतर्गत बहुत लोगों को काम मिल रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है। आप जानते ही हैं कि जो भी काम हमने शुरू किया था पहले, सबसे पहले वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना शुरू की गई और इसके तहत 10 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण। तो इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए भी 25,000 रुपए का लोगों को मदद किया जाता था। तो ये सब काम शुरू हुआ था। अब उसके बाद जो हमने ये शुरू कराया था और ये काम अच्छा हो रहा था और दो वर्ष में 4,674 युवक युवतियों ने इसका लाभ लिया था, तो मुझे 18 से शुरू किया था तो खुशी हुई थी। तो 2020 में हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पर ही हमने घोषणा कर दिया कि जो सुविधा हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लिए दे रहे हैं तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी ये सुविधा दी जाएगी। ये 2020 के जनवरी में ही हमने इसकी घोषणा की और उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी, चुनाव हुआ 20 में, तो 21 में हम लोगों ने ये सब तय किया था, 7 निश्चय 2 जो हम लोगों ने किया था। तो 2015 में जो 7 निश्चय शुरू किया, जिसका किया 7 निश्चय 1 और दूसरा 7 निश्चय 2 जो शुरू किया, तो उसी समय मेरे मन में ये बात आ रही थी कि हमने दो कम्युनिटी के लोगों को, एक को तो पहले से दे रहे थे उसका फायदा ले रहा और दूसरे को दिया, तो मुझको लगा कि सब लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इसी के लिए जो हमने तय किया और उसी योजना में इसके लिए जो उद्यमी योजना का हम लोगों ने कराया, महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, अब आप समझ लीजिए कि इसमें हम लोगों ने किया कि जो भी थे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोग, उनको जो 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का जो ऋण देते थे, तो जिसमें उनको कोई टैक्स नहीं लगता था, तो उसके उसी समय हमने सोचा कि इसमें जितनी महिलाएं, कोई भी जाति की महिलाएं काम करेंगी, उन सब लोगों को भी वही 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का शून्य का तो उसको दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने शुरू कर दिया महिलाओं के लिए, सब जगह के लिए। पहले तो उसमें खाली 2 वर्ग की 3 वर्ग की महिलाओं के लिए भी था, पुरुषों के लिए भी था, और बाकी पुरुषों के लिए भी, चाहे वो अपर कास्ट के हों या बैकवर्ड कास्ट के, तो उनके लिए भी हम लोगों ने कहा कि इसको करेंगे और उनको भी 5 लाख रुपए का अनुदान। अब 5 लाख रुपए का जो ऋण दिया जाएगा उसमें मात्र 1% का अनुदान, इतना कम करके उनको हम लोगों ने दे दिया। लेकिन आप जानते हैं कि जो लोग भी थे, पहले की भी योजना थी यहाँ जो हम लोगों ने शुरू किया था, अब सबके लिए तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब जो पहले था आप जानते ही हैं कि उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया। 12-13 में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए भी इसमें फायदा देने के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया था। अब यहाँ पर बैठे हुए आमिर सुभानी जी, तो इनको 3 डिपार्टमेंट हम दिए हुए थे, तो 1 डिपार्टमेंट इनको ये भी था, तो इसी समय इनको हमने कहा था, तो ये काम कर रहे थे तो ये सब जितने लोग भी थे उस समाज के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, तो इसको रोजगार ऋण योजना, तो ये जो शुरू कराया गया था उसी समय से, तो उनको तो लाभ नहीं, उसको ऋण दिया जाता था कि भाई ये काम करिए, तो उसमें भी बहुत लोग लाभ ले रहे थे। तो हमने कहा कि भाई हमने तो तय कर दिया है, अब जो अल्पसंख्यक
वर्ग के हैं तो आखिरकार उसमें तो कोई एसटी का है नहीं दर्जा, अब बिहार में भी कोई एसटी नहीं है। तो जब हमने शुरू कर दिया था अति पिछड़ा, तो उसमें तो हमने अति पिछड़ा किए ही हुए था, तो हमने कहा इसका लाभ लेंगे मुस्लिम लोग भी। और बाद में जो हमने ये काम शुरू कर दिया 7 निश्चय 2 में, तो उसी के अंतर्गत उनके लिए भी वही सुविधा दे दी गई। तो यानी जो लोग भी हैं अपर कास्ट के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग, उनको जो लाभ मिलेगा 5 लाख रुपए का अनुदान, 5 लाख रुपए का ऋण मात्र 1% पर, और बाकी अति पिछड़े को तो मिलता है 5 लाख का अनुदान और 5 लाख रुपया का ऋण जो मिलता है बिना कोई इसके 0 पर। और महिलाओं का जो हम लोगों ने तय किया कि कोई भी समुदाय की महिला होगी उन सब लोगों को ये लाभ मिलेगा, 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण जिसमें कि कोई 0% रहे। तो वो समूचा माइनॉरिटी के लिए भी किया गया। तो अभी हमने समझा कि शुरू हो गया, लेकिन हम इसी बार रिव्यू कर रहे थे तो पता चला कि उस डिपार्टमेंट में, हालांकि आज हम बुलाए थे, काहे नहीं आया है? है पटना में नहीं है, बाहर गया हुआ है। आज जिस दिन आवेगा पटना में हम बुलाएंगे कि आज हम किए थे, ताए काहे नहीं थे? है सबके लिए हम किए थे, हम चाहते थे कि सब माइनॉरिटी, तो कर ही नहीं रहा था, पूरा हो ही नहीं रहा था। हमने कहा बड़ा दुखद है। तो अंत में उस डिपार्टमेंट को था कि ठीक है सर, हम ही कर देंगे, यही काम हमके ठीक है। तो फिर इनके डिपार्टमेंट को, उद्योग विभाग को कहा कि ठीक है, करना तो आप ही का है, लेकिन जितने लोग हैं मुस्लिम समुदाय के लोग वो उसी डिपार्टमेंट में ही काम कर देगा। तो वो काम अब शुरू हो गया। अब उसके बारे में जो हमने पूछा था, तो हमको पता चला कि बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। तो अभी जो आज का चर्चा है, इसमें आप समझ लीजिए कि 915 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। तो इस तरह से सब तरह से लोगों को शामिल किया गया। तो अब सभी लोगों को, और बहुत अच्छी संख्या है कि 8000 लाभुकों, जो 23-24 में सभी वर्गों के 8000 लाभुकों, तथा इस वर्ष से शुरू हुए अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के 1,247 लाभुकों को मिलाकर 9,247 लाभुकों का चयन कर लिया गया। हम तो आग्रह यही करेंगे कि ये काम तेजी से होना चाहिए। भाई देखिए, मेरी इच्छा है इसका जरा ठीक से प्रचार करिए। भाई देखो, लाभ मिलेगा ना, इतना हम दे रहे हैं, तो कोई भी काम करिएगा तो कितना फायदा होगा? ऐसा कभी होता था? आप बोलिए, शुरू करते हैं हम, इतना सबको मदद दे रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं ना कि सब खूब लाभ लीजिए और खूब आगे बढ़िए। तो हम तो सबको आगे ना बढ़ाना चाहते हैं भाई। अब बाकी सब मीडिया वाला है बेचारा, ये सब भी लिखेगा थोड़ी है बेचारा, इसको तो दिल्ली वाला कह देगा मत लिखो, तभी तो सब नोट करेगा। तो ये बेचारे को तो मजबूरी है ना, जैसे ही जानेगा ऊपर वैसे ही कहेगा ना ना इसको मत लिखो, हम बोले हैं इसको मत लिखो। राज्य सरकार जो करती है उसका पब्लिसिटी बेचारे को करना पड़ता है। आ तो जाते हैं सब, और सब का सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अब करे क्या, इस पर तो कब्जा कर लिया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, आप लोग जान लीजिए कि कितना ज्यादा लाभ दिया जा रहा है। तो सब लोगों को लाभ दिया जा रहा है। अब प्रचार कितना होता है, केंद्र वाला थोड़ा बहुत भी किसी को काम करता है तो उसी का खूब छपता, हम लोग जितना काम कर रहे हैं वो नहीं कहीं छपता। लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं हर डिपार्टमेंट जा करके, और सारे डीएम और सब विभाग के लोगों को कहा है, एक एक इलाके में जा करके देखिए कौन लाभ ले रहा है, किसको कमी है और ज्यादा लाभ देना है, हर जगह बढ़वाइए। तो राज्य सरकार तो चाहती है लड़का हो या लड़की, कोई जात के हो, किसी भी धर्म के हो, सब इसका लाभ लें और खूब आगे बढ़ें।
अब बाकी कितना करते रहता है, उल्टा पुल्टा बोलिए, हम लोग समाज के किसी भी वर्ग की उपेक्षा करते हैं। सोच लीजिए, अपर कास्ट से लेकर के सबसे गरीब तबका, सबके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सबके सेवा में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों का जो है, तो आज मुझे खुशी हुई और यहां पर अच्छी खासी संख्या में आप आए हुए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब मौजूद हैं, और जरूर तेजी से काम करिए, और डिपार्टमेंट को हम कहेंगे तेजी से काम करिए। सुन लीजिए, आप जो मंत्री जी हैं, आप अगर मेरा बतवा सुनते रहिएगा तब भी तेजी से काम करिएगा, समझे ना? ये सब आइडिया मेरा है, पहले कुछ था? अरे हम ही ना शुरू किए हैं जी, पहले कहां कुछ था, आज से हम शुरू कर रहे हैं। 2005 से जब से आए हैं तब से एक एक काम कर रहे हैं। अब आप जितना हम काम करवाए हैं, तब बहुत लोग अब भुलाने लगा है कि ये काम हो रहा है, तो हम तो सबको कह रहे हैं कि जो जो काम हुआ है शुरू से लोगों के हित में, लोगों को बताते रहिए कि लोग ध्यान रखते रहे, नहीं तो आजकल तो सब डिपेंडेंट हो गया है भाई, देखो ना फोन में लेकर चला रहा है, सब उसी पर देखते रहता है बेचारा, तो उसी में जो खबरवा आएगा उसी को ना पढ़ेगा, और नई पीढ़ी का लोग, हम कहीं जाते हैं घूमते रहते हैं तो बच्चा बच्ची फोटो लेकर के हमको लेते रहता है, तो हम सबको बताते रहते हैं कि पुरनका बतवा को भी जान, हालांकि सब हमको पहचान लेता है, बच्चा भी पहचान लेता है, तो इतना भर तो है। तो जितना भी काम किया जा रहा है, प्लीज आप उसके लिए, और राज्य सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है उसके लिए सब जगह जा जा करके लोगों को बताइए, और तेजी से अधिक लोग इसका लाभ लें। तो हम लोग और भी बहुत ना काम कर रहे हैं भाई, अभी तो आपको मालूम है ना है कि अभी तो इस बार जो हम लोग कर दिए, आपको मालूम है ना कि जो हम लोग करा दिए थे जाति आधारित गणना, और हर जाति की आर्थिक स्थिति का अध्ययन, तब देखे ना इस बार हाउस में तो सब कुछ करके हमने कर दिया और सब तय कर दिया, कोई भी जाति का हो, जो पिछड़ेपन में है, अपर कास्ट हो या नीचे हो, हर किसी के उत्थान के लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया कि उसको करेंगे, एक एक चीज तय कर दिया। आज जितने लोग जाति आधारित गणना में जो कुछ भी काम किया और लोगों के विकास के लिए और विस्तार के लिए के काम किया, और उसका भी कर रहे हैं हम लोग, उसका और ज्यादा तो अभी पेंडिंग है कोर्ट से, तो ये कोर्ट कर रहे हैं, यहां से तो पास हो गया विधानसभा विधान परिषद दोनों से, तभी गया हुआ है दस्तखत के लिए गवर्नर साहब क्या, तो बाहर थे, तो आज हम अखबार में देखे हैं कि आ गए, तो उम्मीद करते हैं कि आज दस्तखत कर दें ताकि तुरंत लागू हो जाए, हमको तो उम्मीद है कि जल्दी करेंगे। आज तक तो जो नियम है कि जो पास होता है उसको विधान परिषद से उसको जल्दी दस्तखत करते हैं, तो एनीवे खैर उस पर हमको कुछ नहीं कहना है, नहीं तो यही कमेंट शुरू कर देगा, यही लोग शुरू कर देगा, तो इस पर हमको कुछ नहीं कहना है कि जैसे ही होगा, जिस दिन उनका दस्तखत हो जाएगा उस दिन लागू हो जाएगा, हम तो वेट कर रहे हैं, नहीं तो लागू जिस दिन दस्तखत कर दें उस दिन अगले दिन से लागू हो जाएगा, सबको इतना लाभ मिलने लगेगा। आ कितना पैसा हम लोग कर रहे हैं, आ केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, आ कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तो 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए, तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। आप बोलिए बिहार कितना आगे था, ये दुनिया और देश में सबसे पहले आज जिसको बिहार के रूप में आप कहते हैं, यही वो जगह है, यहीं से शुरुआत हुई थी, अब आज पीछे है,
अरे जल्दी दे न दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो अभी मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब पत्रकार मित्र, आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरी एक बात बोल दीजिए कि हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक लाइन छापिएगा, आपको कहा जाएगा अरे बंद कर दो, बंद कर दो। आज जो भी दिल्ली से आता है यहां करके बोलते रहता है लोगों को कि हम लोग कर रहे हैं, ये लोग कोई काम कर रहा है। अब आजकल हमसे बाहर आकर के मिलना चाहते हैं, हम आपको नमन कर देते हैं क्योंकि मेरा बतवा तो आपको छापने में दिक्कत है। आज जो मेरे खिलाफ अंड बंड बोलता है आ उसी पर पूछिएगा, हमको जाने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे हम तो लोगों के हित में काम करते हैं, हम समाज के किसी तबके के खिलाफ नहीं। और लोग सोचता होगा हम तो हर लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं और हम करते रहेंगे। तो हम तो काम करने वाले आदमी हैं, हम काम करते रहेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो कितना और तेजी से केंद्र का पैसा जो मिलता तो और ज्यादा ना मिलता जी। और नहीं तो आजकल केंद्र में कोई योजना बनाते हैं तो क्या कराते हैं, प्रचार खूब होता है लेकिन देते हैं 60% देते हैं और 40% राज्य को देना पड़ता है। तो राज्य का जो हिस्सा है, केंद्र जो देश भर का पैसा वसूलता है और उसका बिहार राज्यों को जो 60-40% का हिस्सा है और उसने ही पैसा अपने तरफ लेकर के अपनी योजनाओं में कराता, राज्यों को कोई फायदा हो रहा है?